यूपी के प्रयागराज में नौकरी न मिलने के कारण सड़क पर प्रदर्शन कर रहे छात्र पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी हॉस्टल कमरों में घुसकर छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं, जहां छात्रों के साथ बर्बरता की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर सपा कांग्रेस ने इस कार्रवाई की निंदा की है। प्रयागराज के सलोरी इलाके में प्रयाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर छात्रों ने ट्रैक पर ही डेरा जमा दिया और काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को ट्रैक से हटाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने छात्रों को पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी हॉस्टल में घुसकर छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस छात्रों से अभद्रता कर रहे हैं और उनसे गेट खुलवा रहे हैं। कोई पुलिसकर्मी बंदूक की बट से दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता दिखा तो कोई लातों के जरिए दरवाजा तोड़ता रहा। पुलिस का कहना है कि वे हर उपद्रवी को ढूंढ रहे हैं जिसने इलाके में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। सपा ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा छोटा बघाड़ा लॉज में घुसकर निर्दोष विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज घोर निंदनीय। नहीं नहीं मार मत 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 मार